नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एनएस नाउ में। मेरा नाम है निखिल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएस नाउ। खबर ये निकल कर आ रही है कि अगर आंगनबाड़ियों को हाईटेक करना है तो उन्हें देना होगा स्मार्टफोन। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि उनका वेतन इतना नहीं है कि 10 से 15 हज़ार रुपये कीमत का एंड्रॉयड मोबाइल फोन खरीद सकें। दोस्तों, ये आंगनबाड़ी से संबंधित न्यूज़ अपडेट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जो खबर निकल कर आ रही है उसे हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ियों का वेतन इतना नहीं है कि 10 से 15 हज़ार रुपये कीमत का एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन खरीद सकें। किसी तरह मोबाइल खरीद भी लेती हैं तो नेट की सुविधा कौन देगा? नियमित हर महीने डाटा डलवाने के लिए राशि की व्यवस्था कहाँ से होगी? जितना वेतन मिलता है उससे घर का खर्च चलाना मुश्किल है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर आंगनबाड़ी के कामकाज में दुरुस्त करने के लिए सभी केंद्रों की हाईटेक करने का निर्णय लिया है। इसके तहत एंड्रॉयड फ़ोन रखने की बाध्यता रख दी गई है। एंड्रॉयड फ़ोन में मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की मांग आंगनबाड़ी सहायक। डाउनलोड करने और ऑनलाइन जानकारी देने से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एंड्रॉयड फ़ोन की कीमत इतनी ज़्यादा है कि खरीद नहीं सकते। सहायिकाओं ने कहा है कि हर महीने डाटा पैक के लिए राशि कहाँ से आएगी? हर महीने जानकारी ऑनलाइन देना जरूरी है तो विभाग को डाटा पैक की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। परियोजना पर्यवेक्षक के माध्यम से उक्त कार्य को पूरा कराने की भी बात कही गई है। राज्य शासन ने अब तक जारी नहीं किया है अतिरिक्त मानदेय। सहायिकाओं ने कहा है कि नवंबर 2020 से राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप आज तक अतिरिक्त मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा देय मानदेय 4,000 रुपये ही दिया जा रहा है, जिससे घर का खर्च और बच्चों के लालन पोषण में परेशानी हो रही है। तो ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आंगनबाड़ी संबंधित खबर निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ियों ने कहा है कि अगर हमें हाईटेक करना है तो हमें आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन भी देना होगा, साथ ही डाटा की भी व्यवस्था करानी होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप एनएस नाउ करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।